नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एनवीएस में टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की वैकेंसी कल से आपको लाइव दिखेगी, मतलब कल से ये इसके फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपके एग्जाम पैटर्न है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर ही बता देंगे, बाकी जितने भी पोस्ट हैं आपके, चाहे वो टीजीटी के चाहे पीजीटी के, उसके एफएक्यू के फॉर्म में हमारी टीम द्वारा आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। लेकिन एक सरसरी नगर से मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि क्या ओवरऑल इस पूरे नोटिफिकेशन में है जो आपका वायरल हो रहा है। ठीक है, तो एक बार जितने लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहां पर देख लीजिए कि टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा कल से, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहां पर देख लेते हैं हम लोग कि जो आपका प्रिंसिपल की वैकेंसी है टोटल 12 पोस्ट है, तो प्रिंसिपल के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। और टीजीटी, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट का अगर देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट में टोटल 397 पोस्ट हैं, और टीजीटी में अगर देखा जाए आपके पास तो यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको, टीजीटी में अगर देखा जाए तो टीजीटी में आपके पास जो पोस्ट हैं वो 683 पोस्ट टोटल हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, ये पूरा जितना होना चाहिए वो सब कुछ है, प्लस कुछ लैंग्वेजेस पर भी हैं, क्योंकि एनवीएस का रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया होता है और कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म डाल सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लैंग्वेज के भी कुछ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के भी पोस्ट हैं टीजीटी के, आसाम, बोडो, ये जो आता है इसमें कई लैंग्वेजेस हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मिजो सब है। उसके बाद से म्यूजिक, आर्ट, पीटी, मेल पीटी और लाइब्रेरियन के भी टीजीटी के पोस्ट हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं कि जो प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी क्या कह रही है। प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी देखो बच्चों बोल रही है कि प्रिंसिपल का देखो ग्रेड पे आपका जो है लेवल पे 12 मैट्रिक्स का होगा, जबरदस्त इनकम है, 50 साल से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए एज, रिलैक्सेशन तो मिलेगा जो आपको क्राइटेरिया वाइज जो आपका रिजर्वेशन वाला रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा। ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। क्वालिफिकेशन में क्या है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट 50% और एग्रीगेट भी आपका, ठीक है, जिससे भी आप मास्टर कर रहे हैं उसमें 50% और एग्रीगेट भी होना चाहिए। बीएड या उसके इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए जो पीजीटी में प्रिंसिपल के लिए मांगा है, अभी ये प्रिंसिपल के लिए है। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आप या तो प्रिंसिपल की तरह काम किए हो किसी भी स्टेट में या कोई इंडिविजुअल बॉडी में जिसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 12 का रहा हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किए हो, या आप वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की तरह या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो और लेवल 10 की सैलरी आप उठा रहे होंगे तो भी आप कंसीडर किए जाओगे, या आप 7 साल का पीजीटी का आपने टीचिंग का काम किया उसके साथ और वाइस प्रिंसिपल पर मिनिमम आप 2 साल रहे हो तभी भी आप कंसीडर किए जाओगे। ये भी ना हो तो तीसरा बोल रहा है कि पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल, स्टेट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब या तो पीजीटी के टीचर आप होने चाहिए या तो आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या ऑटोनोमस किसी स्कूल में जिसमें आप लेवल 8 की सैलरी उठा रहे हो और 8 ईयर का रेगुलर आपका सर्विस का एक्सपीरियंस हो, ये भी हो सकता है प्रिंसिपल में। और क्या होगा, और देख लो वो भी नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए कि 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें पीजीटी टीजीटी मिलाकर, टोटल पीजीटी टीजीटी मिलाकर पीजीटी में लेवल 8 पे का आप सैलरी उठाए हो और टीजीटी में लेवल 7 का, और मिनिमम इसमें 3 साल एज ए पीजीटी आप वर्क किए हो तभी भी आप प्रिंसिपल पर फॉर्म भर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की आपको होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, वो बहुत जनरली डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। मेन आते हैं जहां सबसे ज्यादा पोस्ट है पीजीटी और टीजीटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी क्या है ये ध्यान रखो, बायोलॉजी की पोस्ट है, केमिस्ट्री की, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये पीजीटी में पोस्ट आया है, लेवल 8 है, इतना आपका पे मैट्रिक्स रहेगा, 40 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए पीजीटी के लिए, लेकिन जो रिजर्वेशन वाले हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उनका रिजर्वेशन लगेगा।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला है कि 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो, या एनसीटीजी, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने किया है इंटीग्रेटेड कोर्स 2 साल का, वो भी आपका जिस सब्जेक्ट से किया उसमें 50% और एग्रीगेट भी 50% आपका है, तो आप पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो। साथ ही साथ यहाँ नोट में लिखा है बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। मतलब आप 12th के बाद ही अगर कोई 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो किसी के साथ, तो उसके लिए बीएड डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, जो एनसीईआरटी और एनसीटीसी के अप्रूवल से जो संस्था चल रही हो जिसमें इंटीग्रेटेड डिग्री आपने 4 ईयर का किया हो, जैसे 12th के बाद कुछ लोग बीएड प्रोग्राम कर लेते हैं चाहे और कोई 4 साल का कोर्स किए हो। तो उसके बाद से मास्टर डिग्री मेन हो गया, अगर वो भी नहीं है तो यहां पे बोल रहा है कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क के साथ इन एग्रीगेट फॉलोइंग सब्जेक्ट में। ठीक है, आपके पास 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश, पीजीटी हिंदी है तो हिंदी, फिजिक्स है तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री उसमें बायो में, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और बायोलॉजी में, तो आपका 50% मास्टर में होना चाहिए। साथ ही साथ क्या बोला है कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग ए मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट इज मेंशन अबव ओनली वन कंसीडर एज ए एलिजिबिलिटी। यहां पर आ जाते हैं, उसके बाद से आपका बीएड डिग्री भी यहां पर मान्य है, आपका बीएड डिग्री जरूरी है पीजीटी के लिए, ये ध्यान रखो, सिर्फ इंटीग्रेटेड के लिए नहीं जरूरी है। उसके बाद से प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये भी आपका होना चाहिए। अभी ये बोला है कि अगर कोई मास्टर डिग्री में है कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है, मतलब अपीयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। अभी यहां पर देख लेते हैं कंप्यूटर के लिए जो पीजीटी की वैकेंसी है, कंप्यूटर के लिए पीजीटी की जो वैकेंसी उसके लिए एलिजिबिलिटी आपका अलग है। तो जिनके भी भाई जिनको टीजीटी पीजीटी पढ़ना है, ऑलरेडी यूपी के टीजीटी पीजीटी चल रहा है, तो सब्जेक्ट तो आपका वहां कवर हो जाएगा। और जो हमारा अलग से यहां पे पूछता है, ठीक है, यहां पे रीजनिंग, मैथ्स ये भी और लैंग्वेज भी पूछता है, तो वो भी आपका स्टार्ट हो गया है आपके अदर जो आपके आपके कंसर्न सब्जेक्ट से अदर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। और स्पेशली कंप्यूटर साइंस जिसे भी पढ़ना हो वो कमेंट में बताइएगा, मैं ही आपको पढ़ाता हूं, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कंप्यूटर साइंस का भी बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। बोल रहा है कम से कम 50% मार्क्स आपका पास होना चाहिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी ट्रेड, सिर्फ दो ही ट्रेड, कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने किसी और स्ट्रीम से बीटेक किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए, बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसे बच्चे मिलेंगे, ठीक है, तभी भी आप एप्लीकेबल हो। या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए की हो तब आप एप्लीकेबल हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस की हो या बीसीए की हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट आपने लिया है तो भी आप एप्लीकेबल हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और आईटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट तभी भी आप एलिजिबल हो। बी लेवल आपने डोएक या नीलेट से किया है तभी एलिजिबल हो, सी लेवल किया है तभी भी आप एलिजिबल हो, प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, बीएड कोई कंपल्सरी नहीं है इसमें, ठीक है, बीएड आपको कंपल्सरी नहीं है, लेकिन प्रमोशन में आपको बीएड अगर आप जाओगे तो उसके लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग टीजीटी के, टीजीटी में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी है, उसके इस एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं टीजीटी के बारे में। चलो टीजीटी का क्या बोल रहा है, देखो पे स्केल 7 का है ये, ध्यान देना 7 पे स्केल का है ये। उसके बाद से इसका जो अपर एज है 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी एससी एसटी वालों को। बोला 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपने कंसर्न आपका सब्जेक्ट है 4 साल के इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में, उसमें आपने अगर 50% मार्क्स पाया है और एग्रीगेट 50% पाए हैं तो आप एप्लीकेबल होंगे। साथ ही साथ बोला है अगर बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल कंसर्न सब्जेक्ट, जितना भी अगर कोई आपने ऑनर्स की डिग्री लिया है बैचलर में
उसमें आपके जितने कंसर्न सब्जेक्ट में सब में 50% होना चाहिए और एग्रीगेट भी होना चाहिए। जितने भी सब्जेक्ट है ना उनमें इंडिविजुअली 50% होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। बोला कि जो ऑनर्स वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने 3 साल के कोर्स में 2 साल कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, जो उनके कंसर्न सब्जेक्ट में होता है जिसके लिए वो टीचर बन रहे हैं वो दो साल एटलीस्ट पढ़े होने चाहिए। वो भी कौन, जो ऑनर्स की डिग्री लिया है, सिंपल ग्रेजुएशन नहीं, बैचलर डिग्री फॉर्म ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये नहीं है ऑनर्स वाले नहीं है, अगर आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। सभी सब्जेक्ट में आपका 50% जो भी कंसर्न आपका सब्जेक्ट है, मान लो आप TGT हिंदी से भरने जा रहे हो तो उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये है का मतलब, ये नहीं कि सभी सब्जेक्ट में हो, जो खासकर आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है ना जिसके लिए आप टीचर बन रहे हो, ठीक है, मैथ्स के लिए TGT टीचर बनना तो उसमें आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखो। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 ईयर फॉर डिग्री कोर्स। ये बोला है कि जो सिंपल बैचलर डिग्री होंगे वो अपना उनका जो भी उनका कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो कम से कम 3 साल तक पढ़े होने चाहिए। इसमें ध्यान देना, ये कहीं UPTGT PGT में ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं दिया है लेकिन यहां पर साफ साफ दिया है, इसको ध्यान दो। उसके बाद से बोल रहा है आपसे, यहां पर देखो कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एसेंशियल। जैसे TGT हिंदी है तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर डिग्री कोर्स, डिग्री कोर्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 3 साल हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश भी आपका 3 साल डिग्री कोर्स में होना चाहिए। लेकिन जो मैथ वाले हैं, फॉर TGT मैथ के लिए लिखा है, क्या लिखा है कि अगर बैचलर डिग्री इन मैथ अलोंग विद द फिजिक्स, अगर आपने बैचलर डिग्री मैथ और फिजिक्स के साथ किया है और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे कंप्यूटर, चाहे साइंस, चाहे स्टैटिक्स, तब आप एप्लीकेबल होंगे। सेकेंड बोला, इन केस कुछ यूनिवर्सिटियां विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 मेंशन अबव द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। कुछ यूनिवर्सिटियां फाइनल ईयर में इन 6 सब्जेक्ट में से 2 ही सब्जेक्ट आपको देती हैं, तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। कहने का मतलब कि ऐसे बंदे अगर मैथ और फिजिक्स लास्ट ईयर में पढ़े हो और बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मैथ, फिजिक्स और इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा है, ठीक है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से, तब आप एप्लीकेबल होगे। कैसे, क्या होता है कि यहां पर मैक्सिमम बार सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं, तो उस केस में आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई इनमें से सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप मैथ के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा बोला है, कैंडिडेट हु हैव पास BSc डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ, मतलब BSc अगर आप मैथ से ऑनर्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक एनी 2 ईयर ऑफ द कोर्स। मतलब अगर आप BSc क्या है, ऑनर्स की डिग्री मैथ से लिए हैं, तो सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे आर स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब फिजिक्स के साथ आप या तो केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स आप 2 साल तक आप पढ़े हो तो आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट विथ BSc ऑनर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। ऐसा नहीं कि जो BSc ऑनर्स TGT केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनकी अलग डिग्री मिलती है BSc ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिए। उसके बाद से बोल रहा है आपसे TGT साइंस के लिए बोला है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर स्टडी इन ग्रेजुएशन। ये 3 सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। इन केस कुछ यूनिवर्सिटियां नहीं करती हैं, प्रोवाइड सिर्फ 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में देती हैं कुछ यूनिवर्सिटियां, तो ऐसे केस में कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। कहने का मतलब कि फाइनल ईयर में आप बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हो, ठीक है, और पहले और दूसरे साल में आप बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, तभी भी आप कंसिडर किए जाओगे।
अगला क्या है आपका, टीजीटी सोशल साइंस से है, ऑनर्स डिग्री भी है कि ऑनर्स डिग्री आपने मेंशन थ्री सब्जेक्ट में किया है तो आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक, उसके बाद से बोला कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए, इसको ध्यान दो, हाँ, टीजीटी सोशल साइंस के लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम, जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इसमें से पढ़ा है तो आप एप्लीकेबल हो गए, जैसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के साथ अगर कुछ भी है इसमें से, ठीक है, दो सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट में से, तो आप कंसीडर किए जाओगे एसएसटी के लिए। ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इन अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप चारों में से कोई दो सब्जेक्ट किए हो तो आप एसएसटी के लिए मान्य हो गए। हिस्ट्री एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज अबव शुड बी स्टडी फॉर ऑल थ्री ईयर इन द ग्रेजुएशन, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर है तो वो कम से कम कोई भी कॉम्बिनेशन हो, अगर हिस्ट्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो हिस्ट्री एटलीस्ट आपका तीनों साल होना चाहिए, ज्योग्राफी के साथ कोई कॉम्बिनेशन लगा रहे हो तो ज्योग्राफी भी आपको तीनों साल होना चाहिए। इन केस ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एनी ऑफ द टू ईयर ऑफ द कोर्स, जो ऑनर्स डिग्री होंगे हिस्ट्री के, अगर वो दो साल तक ही आपका इनमें से पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी पढ़े हैं तो भी वो माने जाएंगे। सिमिलरली केस ऑफ ऑनर डिग्री ऑफ ज्योग्राफी जो होंगे वो भी कैंडिडेट शुड हैव स्टडी, अगर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट दो साल तक पढ़े हैं तो वो भी आपके माने जाएंगे एलिजिबल। कैंडिडेट विद बी ए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, कोई बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी, ध्यान देना, कोई बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से है तो वो एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है तो आप दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप माने जाओगे, हिस्ट्री आपका तब उसके तीनों साल होना चाहिए, ज्योग्राफी के साथ इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो आप ज्योग्राफी तीनों साल होना चाहिए और बाकी दो साल तक है तो आप कंसीडर किए जाओगे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके मेन है, या तो हिस्ट्री से आप तीनों साल किए हो या ज्योग्राफी आपके तीनों साल में रहा हो, अगर फिर नहीं तो आपका ऑनर्स डिग्री अगर हिस्ट्री से है तो आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद से बोला है टीजीटी हिंदी लैंग्वेज जो थर्ड लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बोला कि कम से कम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, 50% कंसर्न सब्जेक्ट में होना, ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ टीजीटी के लिए एक और चीजें हैं कि आपका टीजीटी में सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, प्राइमरी जूनियर कुछ नहीं बोला है लेकिन एटलीस्ट आपका सीटेट प्राइमरी क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। तो ओवरऑल टीजीटी के लिए सीटेट भी चाहिए और बीएड भी चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन भी चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का आपका लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए सीटेट टीजीटी में मांगा है, क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी सब चीजें वही हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा म्यूजिक व्यूजिक का कि कहाँ से आपका म्यूजिक का डिप्लोमा होना चाहिए, जनरली जो उनका कंसर्न सब्जेक्ट है पूरा नोटिस में लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर देते हैं, जैसे एग्जामिनेशन का है प्रिंसिपल का जो है प्रिंसिपल का जो एग्जाम होगा उसमें देखो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा, मतलब जीएस एक तरह से, फिर लैंग्वेज आपका इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 मार्क के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, फिर आपका एकेडमिक और रेसिडेंशियल जो एनवीएस से रिलेटेड होता है वो 50 क्वेश्चन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस 50 क्वेश्चन का होगा क्योंकि प्रिंसिपल का है, टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 3 घंटे में आपको करना होगा, ये प्रिंसिपल वाला है। और मेन आते हैं पीजीटी वाले, पीजीटी का क्या पैटर्न है, तो पीजीटी का पैटर्न ये है कि देखो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएगा, जीएस 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल एबिलिटी मतलब 20 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग रहेगी, नॉलेज ऑफ आईटीसी मतलब आपका कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका पेडागॉजी आता है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेगा। तो 20 10 30 10 40 10 50 क्वेश्चन तो ओवरऑल आपका अलग ही है, आपके सब्जेक्ट से अलग है। उसके बाद से जब डोमेन नॉलेज में आओगे, जो पीजीटी का डोमेन नॉलेज है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफाई सिलेबस एज एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग,
जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा उससे को सवाल रहेंगे, प्लस टीचिंग बेस्ड एक तरह से क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ पेडागॉजी और केस स्टडी के क्वेश्चन भी रहेंगे, ये सब पेडागॉजी का पार्ट है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इतना आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें आपका सब्जेक्ट भी है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, पेडागॉजी भी है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, सब मिला के आपके 80 प्रश्न होंगे, टोटल 130 प्रश्न होगा, ठीक है। उसके पास से जो 20 प्रश्न होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, जैसे लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन हिंदी, इनमें टोटल में 20 में 40% आपको लगा इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, 40% कंपलसरी है इसको क्वालिफाई करना, नहीं तो आप डिसक्वालिफाई हो जाओगे। लैंग्वेज का ये समझ गए, तो ये आपका पीजीटी का हो गया। टीजीटी आ जाते हैं, तो टीजीटी में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो टाइप का है वो आपका 10 क्वेश्चन है और 10 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, 10, 30, 40, ठीक है, 40 प्रश्न यहाँ पे हैं टीजीटी में आपके जो बाहर से आपके सब्जेक्ट से। बाकी आपका जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा प्रश्न, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड तो होगा, टीचिंग बेस्ड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होंगे, खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम के पीटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ पेडागॉजी और केस स्टडी के क्वेश्चन, तो वो मिला के 80 प्रश्न आएंगे, इतने 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक मिला के 80 प्रश्न होंगे, तो 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का, और लैंग्वेज का होगा, थर्ड पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर होगा, ये क्या होगा, थर्ड पार्ट क्वालिफाइंग होगा, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा 10 मार्क का इच सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 10 मार्क्स का इच, बोला ना लैंग्वेज कंटेम्पररी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, तीन चीजें, आपका हिंदी जनरल होगा, इंग्लिश होगा और एक आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, तो हमारे यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज है हिंदी वही आएगी, तो उसमें आपको 40% एटलीस्ट क्वालिफाई करना है, इसका जुड़ेगा नहीं तो पेपर 120 का ही होगा, समझ गए। तो ये सब चीजें हैं, बाकी आपका जो भी है डिटेल आपका नोटिफिकेशन तो आपका यहाँ पर देखिए, वो आप सभी को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 ईयर का, और बैकवर्ड क्लास को ओबीसी को 3 साल का, और जो आपका वर्किंग है पीजीटी टीजीटी में तो 10 साल, इसमें आपका एनवीएस इंप्लॉय, रेगुलर एनवीएस इंप्लॉय, नो एज बार, इनका कोई एज बार नहीं है, इसमें 5 साल गवर्नमेंट किया है तो 5 साल का छूट है, स्टेट पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो उसको 5 साल का है, बाकी इन सब का देख लो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है एससी एसटी तो 15 साल, ओबीसी का है तो 13 साल और जनरल का है तो 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया है। बाकी जो भी आपके डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी से लेकर वो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा, टीम पूरी कोशिश करेगी कि हर सब्जेक्ट के एलिजिबिलिटी को अच्छे से आपको समझा दिया जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो जरूर आप कमेंट करिए। और जिन्हें भी टीजीटी पीजीटी बैच ज्वाइन करना है भैया, तो टीजीटी पीजीटी एनवीएस का बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी एनवीएस का बैच स्टार्ट हो गया है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर आपको जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे, कंसर्न सब्जेक्ट के अलावा एक आपका जो अदर सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग हो गया, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया, जाएगा वो, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है, तो जिसका कोई कंसर्न सब्जेक्ट है वो आपके वहां से परचेस कर सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ चल रहा है, तो जिसे भी एडमिशन लेना हो जल्दी से ले सकता है, टीजीटी पीसीडी के कंसर्न सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप इन नंबर पे 9400607 और 9129970080 पर कॉल करके पूछ सकते हो, जल्दी आप हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी अच्छे से क्लेरिफाई कर दी जाएगी टीचरों के द्वारा, सिलेबस भी डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।